चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा रहे हैं। उन्हें पढ़ाते हुए कल हमने आपको उनका एवोल्यूशन समझाया। पहले हमने चैप्टर की मर्यादा के मुताबिक आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस एवोल्यूशन समझाया, सभी कमेटीज़ की रिकमेंडेशंस विद रीजनिंग आपको अंडरस्टैंड कराई। फिर हमने आपको प्रोविजंस बताए 1992 के 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के, और ऑर्गेनिकली समझाया कि कौन से प्रोविजन वॉलेंट्री हैं और कौन से प्रोविजन कंपलसरी हैं। फिर हमने आपको उसकी लार्जर पिक्चर क्रिएट करके दी, और कल के लेक्चर में हमने उसका एंशिएंट हिस्ट्री से एक एवोल्यूशन ट्रेस किया और बताया कि लंबे समय थे भारत में जब से व्यवस्था एग्जिस्ट कर रही है ग्रामीण स्तर पर पंचायतें एग्जिस्ट कर रही हैं। उनका अलग अलग जगहों पर हमने आपको डिस्क्रिप्शन दिखाया, चाहे वो वेद हों, ऋग्वेद हों, चाहे रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, गुप्त काल में किन किन तरह के अवसरों के नाम आते हैं। मिडिवल इंडिया से होते हुए हम मॉडर्न हिस्ट्री तक आए। हमने आपको ये बताया कि जहाँ एंशिएंट पीरियड के दौरान ट्रेडिशन और कस्टम बेसिस हुआ करता था इन पंचायतों का, वहीं मॉडर्न इंडिया में जो बेसिस बना वो कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो एक न्यू सोशल ऑर्डर बना जो कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी पर बेस्ड था। यही अंतर आ जाता है आज की और प्राचीन भारत की पंचायतों में। हमने देखा कि प्राचीन भारत की उस पंचायती रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की खिलाफत थी, लेकिन वो पंचायत जैसे एक सिस्टम के खिलाफ नहीं थे। अगर वो पंचायती सिस्टम नए मापदंडों पर आधारित हो जिसमें कि दबे, कुचले और पिछड़े समाज को अग्रिम पंक्ति में लाने के प्रयास किए जाएँ, उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाए और उन्हें भी एक अवसर दिया जाए कि वो जो जातीय समीकरण हैं समाज में, ग्रामीण क्षेत्र में, उनको तोड़ करके, उनको बदल करके आगे आएँ। महिलाओं का सशक्तिकरण यदि होता है इन पंचायतों के माध्यम से, तो पंचायतें एक बहुत ही बेहतर तंत्र हैं जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं उसमें। तो जब हम पंचायतों की बात करते हैं तो जहाँ एक तरफ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ही एम्पावरमेंट की बात करते हैं। सोशल एम्पावरमेंट के लेवल पर वुमेन का एम्पावरमेंट होगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस का एम्पावरमेंट होगा। ओवरऑल जो एक मार्जिनलाइज सेक्शन रहा लंबे समय से भारत में, वो एम्पावर्ड होगा। तो इसीलिए पंचायतों का एक काम सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ। इसके विषय में हमने पढ़ा। हमने कल आपको पंचायतों में पंचायत समिति, ग्राम पंचायतें, ज़िला परिषद किस तरह से आपस में ऑर्गेनिकली इंटीग्रेटेड हैं उसके स्ट्रक्चर को भी समझाया, और हमने आपको कल उनके फंक्शंस की एक डिवीज़न भी बताई कि भाई कौन से फंक्शनल ऑप्शनल हो सकते हैं और कौन से फंक्शन हैं जो कंपल्सरली उन्हें करने हैं। आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे, पंचायतों की सफलताएँ, असफलताएँ, उनके पीछे के कारण, और शुरुआत करते हैं फंक्शंस को थोड़ा सा और डिटेल में करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो पंचायत समिति, मैंने आपको बताया, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का हब है। सही मायने में देखा जाए तो बलवंत राय मेहता कमेटी के दौरान जो रिकमेंडेशन आया था कि पंचायत समितियों को यूनिट ऑफ डेवलपमेंट बनाया जाए, हमने ये डिस्कस किया था कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने यूनिट ऑफ प्लानिंग, यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत समितियों को माना है, इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत को माना है, ब्लॉक लेवल पे, तालुका लेवल पर उन्होंने ये माना कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, योजनाएं बननी चाहिए, डेवलपमेंट यहाँ से होनी चाहिए। लेकिन फिर अशोक मेहता कमेटी और उसके आगे तक एलएम सिंघवी तक बाकी कमेटियों ने यह माना कि जिला परिषद जो है उसके स्तर पर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, प्लानिंग का यूनिट उसे माना जाना चाहिए। लेकिन सही मायने में जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके तहत जब सभी राज्यों ने अपने अपने स्तर पर पंचायती कानून बनाए, तो यही उभर कर के आया कि पंचायत समितियां जो हैं ये डेवलपमेंटल एक्टिविटी के हब के तौर पर उभरे, यानी कि एक यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के तौर पर अगर आज भारत में देखें तो पंचायत समितियां महत्वपूर्ण योगदान निभा रही हैं। तो इंटरमीडिएट लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है सही मायने में, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। ये हेडेड बाय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होती हैं। BDO एक ऐसा ऑफिसर है जो पंचायती राज सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी तरफ मैंने ही आपको बताया कि पंचायत समिति के चेयरमैन या चेयरपर्सन जो हैं वो मेंबर्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, यानी कि जो पंचायत समिति के इलेक्टेड मेंबर हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं
पंचायत समिति के चेयरपर्सन उन्हीं में से, जो लोग इलेक्टेड मेंबर हैं उन्हीं में से। और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि ये हेडेड बाय द BDO होते हैं। आप कंफ्यूज ना हो, आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। प्रशासनिक तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के विंग के तौर पर अगर हेडेड देखें तो हेडेड बाय BDO हैं। पंचायत समिति के पर्टिकुलर चेयरपर्सन इलेक्टेड होते हैं, लेकिन ब्लॉक स्तर पर जो एक प्रशासनिक अधिकारी है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है। केंद्र की राज्य की सभी नीतियाँ योजनाएँ ब्लॉक स्तर पर प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की होती है। पंचायतें अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन उसे बाकी भारतीय प्रशासन के साथ जोड़ करके भी रखना है। इसी के तहत हम ये लाइन यूज़ करते हैं कि जो पंचायत समितियाँ हैं ये हेडेड बाय BDO होती हैं। अब उस तरह से जब आगे बढ़ें तो क्या क्या मुख्य काम मिलते हैं। देखिए, आप ब्लॉक लेवल पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पर आप उस तरह की प्लानिंग्स ले सकते हैं जो ना तो बहुत लार्ज स्केल की है जो ज़िले लेवल पर हैंडल होंगी, और ना बहुत ही मिनिस्किल लेवल की हैं जो पर्टिकुलरली विलेज लेवल पे होंगी। यहाँ पर उस तरह की प्लानिंग हो सकती हैं जिनके लिए एक अच्छा खासी ज़मीन की आवश्यकता है, अच्छे खासे स्तर पर गाँव की ग्रुपिंग चाहिए, विलेजेस की ग्रुपिंग चाहिए, लेकिन उतनी के लेवल की एक्टिविटी जो फाइनेंसेस वाइज और प्रैक्टिकलिटी वाइज मैनेजेबल हो। उसी तरह के काम आपको यहाँ पर नज़र भी आएंगे, जैसे कि लैंड इम्प्रूवमेंट का वर्क नज़र आएगा। अगर ज़मीन की बेहतरी का काम करना है, यानी कि अगर रेतीली मिट्टी है और उसमें आपको दूसरी फर्टाइल सॉइल ला करके मिक्स करनी है, तो लैंड इम्प्रूवमेंट का काम होता है। इसी तरह से लैंड को लेवल करना है, अगर नदियों की कटाई से कोई टीले बन गए हैं उनको ढहाना है, ये भी लैंड इम्प्रूवमेंट का काम है। अगर कोई नदियों के मोड़दार तरीके से बिहड़ बनते जा रहे हैं, यानी कि बैड लैंड टोपोग्राफी, उसको सेटल करके खेतीबाड़ी में बदलना, ये भी लैंड इम्प्रूवमेंट का काम है। तो लैंड लेवलिंग है, लैंड की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है, लैंड प्रिपेयर करना है, ये सारे काम लैंड इम्प्रूवमेंट से जुड़े होते हैं। इस तरह के काम आप ब्लॉक लेवल पर उठा सकते हैं, क्योंकि अच्छे खासे गाँव का समूह इसके अधीन आता है। तो इस तरह से लैंड इम्प्रूवमेंट का वर्क BDO लेवल पर पंचायत समितियाँ मैनेज करती हैं। इसी तरह से वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम रहते हैं। वाटरशेड का मुद्दा सिंपल इतना सा होता है कि ये एक पर्वत है, ये दूसरा पर्वत है, ये तीसरा पर्वत है, चौथा पर्वत है, ये दोनों पर्वत जो हैं, इन पर्वतों से जुड़ा हुआ सभी पानी पहले छोटी छोटी स्ट्रीम्स के वाया फिर बड़ी बड़ी नदियों में कॉन्ट्रीब्यूट होते हुए इस रीजन में रहेगा। तो इस वाटर ने अपना सारा पानी इस तरफ शेड किया, इस माउंटेन ने, इसी तरह से इस माउंटेन ने अपना सारा पानी इस तरफ शेड किया। तो दिस पर्टिकुलरली इज़ द वाटर शेड जोन ऑफ दीज टू माउंटेन्स, ओके। और इसलिए माउंटेन्स को भी एक तरह से आप वाटर शेड बैरियर्स के तौर पर जानते हैं, क्योंकि ये एक माउंटेन इस वाटर शेड से इस वाटर शेड को सेपरेट कर रहा है। तो माउंटेन वाटर शेड बैरियर्स के तौर पर जाने जाते हैं, और माउंटेन्स ही वाटर शेड करते हैं, क्योंकि पर्वतों से बर्फ़ पिघलेगी तो पानी आएगा, पर्वतों से ही वर्षा का पानी छोटी छोटी रिवुलेट्स के माध्यम से स्ट्रीम्स के माध्यम से नदियां बनते हुए जल बना देगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह के वाटरशेड प्रोग्राम को भी अगर मैनेज करना है, वाटरशेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी है, वो भी पंचायत समितियों के अधीन आती हैं। इसी तरह से सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया था एक समय में, इस तरह की खेतीबाड़ी जिसके तहत आप बहुत सी चीज़ों की देखरेख कर सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी के लेवल पर कैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स मेंटेन किए जाएं। सो कम्युनिटी ग्रेजिंग ग्राउंड मेंटेन होते हैं, आप इस बात का प्रयास करते हैं कि किस तरह से पर्यावरण की रक्षा की जाए, तो उसके लिए आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, यानी कि खेतीबाड़ी के साथ साथ आप प्लांट भी लगा सकते हैं अपने खेतों में, प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं इसके तहत। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, इस तरह की एक्टिविटी में आते हैं, ये सब भी पंचायत समिति के लेवल पर मैनेज किया जाता है। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन जैसी चीज़ें पंचायतों के स्तर पर कोशिश की जाती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं इन्हें किस तरह से ITI और अदर वोकेशनल कोर्सेज में आप प्रिपेयर कर सकें, वो एग्रीकल्चर के साथ साथ कोई अलाइड इनकम की ओर भी आगे बढ़ें। अगर उन्हें आप पशुपालन में शिक्षित कर सकते हैं तो आप उन्हें एनिमल हस्बेंड्री को लेकर के या पिसी कल्चर को लेकर के या किसी भी और अदर कल्चर, जिसमें कि चाहे वो रेशम के कीड़े पालने की बात हो, मछली पालन की बात हो, दूध की उगाही करने की बात हो, या फिर पान के पत्ते लगाने की बात हो, पेपरमिंट लगाने की बात हो, इस तरह की कई नई तरह की खेती बाड़ियाँ आज की डेट में हो रही हैं।
फिर आपने देखा लंबे समय से, पिछले दो बजट से देश के वित्त मंत्री ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की भी बात कर रही हैं। इस तरह की ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जैसी चीज़ें तभी सफल हो सकती हैं अगर हम ग्रास रूट लेवल पर फार्मर को एजुकेट करेंगे, अगर फार्मर की वहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी, उसके पास ट्रेनिंग होगी, उसे पता होगा किस तरह के बीज, किस तरह के सीड्स काम करते हैं और ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कैसे हो सकती है, तो ही वो सफल हो पाएगा प्रोग्राम। तो इस तरह के जो भी कोई टेक्निकल या वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स, इंस्टीट्यूशंस या कोर्सेज और वर्कशॉप्स हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने का काम पंचायत समितियाँ अपने लेवल पर करती हैं। तो ये तो कुछ मुख्य काम है, बाकी तीनों ही स्तर पर, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो और चाहे वो जिला परिषद हो, तीनों ही स्तर पर एग्रीकल्चर का इशू डील किया जाएगा। एग्रीकल्चर एक ऐसा मैटर है जो निचले स्तर से लेकर के ऊपर के स्तर तक तीनों ही स्तर पर डील होता है। ओके, इसके अलावा इन्हें कुछ और भी ऑप्शनल काम दिए जाते हैं, जैसे कुछ पर्टिकुलर स्कीम्स, उन स्कीम्स से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स को लागू करना। उन स्कीम्स में जो पैसा आता है ये बाउंड होती हैं, इन्हें वो पैसा उन्हीं स्कीम में लगाना होता है। हाँ, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने की लिबर्टी इनके पास रहती है। तो एक तरफ जहाँ ये काम जो इन्हें कंपलसरली मिले रहते हैं, उसके साथ साथ बहुत से ऑप्शनल वर्क जो स्टेट या सेंटर लेवल पर चलने वाली योजनाएं हैं उन्हें लागू करने से जुड़े हुए काम भी इन्हें मिलते हैं। इसके बाद जिला परिषद आता है, उसका काम यही है कि एक ज़िले के स्तर पर जितनी भी पंचायत समितियाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, उन पंचायत समितियों को आपस में लिंक किया जाए और ये देखा जाए कि उनमें एक यूनिफॉर्मिटी अचीव हो। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जिला परिषद लिंक्स पंचायत समितीज विद इन द डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट के भीतर आने वाली पंचायत समितियों को जोड़ते हैं। ये पंचायत समितियों के द्वारा बनाए गए प्लान्स को कोऑर्डिनेट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं उन समितियों की एक्टिविटी को। सो द जिला परिषद कोऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ द पंचायत समितीज, ये एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम है। दूसरा, जिला परिषद प्रिपेयर्स डिस्ट्रिक्ट प्लान्स एंड इंटीग्रेट समिति प्लान्स इनटू इट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक प्लान बनाया जाता है जिला परिषद के द्वारा जो ज़िले का प्लान है, और उसमें अलग अलग पंचायत समितियों के प्लान को इंटीग्रेट किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है ताकि राज्य सरकार के पास सबमिट किया जा सके, क्योंकि फंड्स और फाइनेंसेस राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो पंचायत समितियों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, उनके कामों को सुपरवाइज करना और उस देखरेख में बने हुए पंचायत समितियों के प्लान को जिला परिषद के प्लान के साथ इंटीग्रेट करके राज्य सरकार के पास सबमिट करना, ऐसे काम जिला परिषद करती है। ज़िला परिषद, मैंने अभी बताया कि एग्रीकल्चर से जुड़े काम तो तीनों स्तर पर होंगे, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसे बढ़ सके, जिला परिषद उससे जुड़े काम करती है। जैसे अगर ज़मीनों की सॉइल की क्वालिटी को टेस्ट करना है, उससे जुड़ा हुआ कोई काम है तो सॉइल टेस्टिंग की बात हो जाए। अगर फर्टिलाइज़र्स की मात्रा को रेगुलेट करना है, किसानों के लिए वर्कशॉप लगानी है कि वो किस तरह से मिक्स्ड फार्मिंग कर सकते हैं, कैसे वो एनिमल हस्बेंड्री फार्मिंग के साथ साथ करें तो ज़्यादा लाभ होगा उन्हें, सॉइल में मल्चिंग कैसे की जाए वेपोरेशन को कंट्रोल करने के लिए, ग्राउंड वाटर टेबल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए डिप्लीट होने से, इस तरह के एग्रीकल्चर के क्षेत्र से जितने भी बड़े काम हैं, मंडियों का रखरखाव, मंडियों को बनाना, उनके साथ कनेक्ट करना, नए नए रूट्स को, सड़कों का निर्माण, पब्लिक वर्क्स, ये सारे बड़े स्तर के काम जिला परिषद के लेवल पर होते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ऐसा काम जिला परिषद देखता है। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को किस मैनर में एक्सप्लोइट किया जाना चाहिए, यानी कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट ना हो, किन कौन से दिन से, महीने की किस तारीख से ट्यूबवेल्स चलेंगे और कौन सी फसलों को लगाना चाहिए जिनमें पानी की खपत कम हो, किस क्षेत्र में पानी ज़मीन पर ज़्यादा है उसे कैसे ज़मीन से निकाल करके दूसरे क्षेत्र की ओर ले जाना है, कहाँ पर पानी खड़े रहने की वजह से ज़मीन ऊसर होती जा रही है उसे किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, ये सारे काम ज़िला परिषद के स्तर पर होते हैं। एक्सटेंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, आपने देखा पंचायत समिति के स्तर पर ज़िला परिषद के काम बड़े स्तर के हैं, यहाँ पर आपने देखा फाइनेंसेस भी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व है, प्लानिंग ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने की बात है यहाँ पर। दूसरा, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को किस तरह से एक्सप्लॉइट करना है, ये एक लार्जर एस्पेक्ट है। तीसरा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को एक्सटेंड करना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण करने से जुड़ा हुआ सारा मामला, ये जिला परिषद के तहत देखा जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनिशिएट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयमेंट जिन जिन काम चीज़ कामों से पैदा हो सकती हैं, उस तरह के काम केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के तहत अगर आ रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्टिविटीज़ को इनिशिएट करना, इस तरह के काम भी जिला परिषद के स्तर पर ही होते हैं। ऐसे बहुत से काम होते हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाने की योजना लेकर के आना, महिलाओं को रोज़गार वहाँ पर प्रदान करना,
जैसे अगर किसी क्षेत्र में कोई खास तरह के हैंडीक्राफ्ट बनते हैं तो उन हैंडीक्राफ्ट्स को कई तरह के एग्जीबिशंस के वाया शोकेस कराना, एक्सपोज़र दिलाना लार्जर मार्केट का, उसे आगे लेकर के जाना, जैसे कोशिश करना कि किसानों को नए नए मुल्कों से आ रही नई नई फसलें, चाहे वो संतरे की फसल हो, चाहे किन्नू की फसल हो, चाहे वो कॉटन की फसल हो, उससे जानकार कराना, अवगत कराना, उनके रेगुलर सेशंस अटेंड कराना और उन्हें बताना कि उन्हें नई फसलों की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे नई मशीनों का उपयोग करवाना, केंद्र और राज्य सरकार के तहत जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जो अनुसंधान केंद्र हैं यानी कि रिसर्च सेंटर्स हैं, उनके द्वारा अगर किसी तरह की नई मशीन्स, नए इनोवेशंस की गई हैं, ज़िला परिषद के स्तर पर उन्हें किसानों के बीच लाया जाता है, डेमोंस्ट्रेशंस किए जाते हैं और किसान उन्हें स्वीकार करते हैं। इस तरह के सभी काम और युवा को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोज़गार की ओर लेकर के आने का जिम्मा जिला परिषद के रहता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड अदर पब्लिक वर्क्स, मैंने आपको अभी बताया कि लार्जर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं ये, तो एक गांव से दूसरे गांव की तरफ, एक समिति से दूसरे समिति की ओर सड़कों का जाल बिछाने का काम, पब्लिक वर्क्स कराने का काम, ये जिला परिषद का ही रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा ये कई तरह के और वेलफेयर वर्क्स भी करते हैं, जैसे कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी है या कोई कमी आ गई है, कोई स्कार्सिटी आ गई है, तो उस दौरान रिलीफ वर्क की जिम्मेदारी भी ज़िला परिषद के ऊपर होती है। अगर किसी तरह के कोई ऑर्फनेज या पुअर होम इस्टेब्लिश करने हैं तो वो भी, यानी कि कोई वृद्ध आश्रम वगैरह या गरीबों के लिए वो घर स्थापित करने हैं तो वो भी काम ज़िला परिषद पे आता है। रात को नाइट शेल्टर यानी कि रैन बसेरे बनाने हैं, ज़िला परिषद की जिम्मेदारी है। और चिल्ड्रन एंड वुमेन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट करना है तो वो भी ज़िला परिषद की काम। तो आपने देखा, पंचायत समितियों के मुकाबले ज़िला परिषद के काम लार्जर स्केल के थे, वो ऑल इन ऑल एक ज़िले के लेवल पर की जा रही प्लानिंग थी और वो पॉलिसी ओरिएंटेड, इनोवेशन ओरिएंटेड ज़्यादा थे, वो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग ज़्यादा करते हैं, एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन जैसी एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट जैसी एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, पब्लिक वर्क्स, इस तरह की चीज़ें, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इस तरह के काम। लेकिन दूसरी तरफ हमने जब पंचायत समिति के लेवल पर देखा तो हमने देखा कि वाटरशेड डेवलपमेंट, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन, सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री, लैंड इम्प्रूवमेंट, इस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पर की गई। तो दोनों ही स्तर पर किए जाने वाले काम अलग थे, दोनों का स्केल अलग था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही स्तर पर किए जाने वाले काम पूरक हैं। क्योंकि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं सकते विदाउट इम्प्रूविंग द लैंड। आप लैंड इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता। आप इनिशिएट ही नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज़ विदाउट इंड्यूसिंग द टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। आपको टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा, तभी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्टिविटीज़ को इनिशिएट कर सकते हैं। आप सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री की ओर जाएंगे तो ही आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पहला तो प्रोडक्शन और दूसरा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन को मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपस में इंटीग्रेटेड हैं और स्केल टू स्केल अप्लाई किए जाते हैं एक इंटीग्रेटेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अलग अलग टायर के द्वारा। ओके, सो इट इज़ सिंपली द कंसेप्ट ऑफ बेटर मैनेजमेंट। आप कैसे रिसोर्सेज एट योर डिस्पेंस को बेटर मैनेज करते हैं, आप किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स का बेटर यूज़ लेते हैं और किस तरह से आप फ्यूचर प्लान को बनाते हैं कि वो तीनों स्तर पर प्रभावी हो, लागू हो। तो तीन स्तर पर बनाया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपस में इंटीग्रेटेड है, उनके जरिए द्वारा किए जा रहे वाले काम आपस में इंटीग्रेटेड हैं, लेकिन फिर भी तीन स्तर पर तंत्र बनाया गया, तीन स्तर पर काम बांटे गए। मुद्दा यही है कि गेम सारी मैनेजमेंट की है कि आप कितना बेटर मैनेजमेंट करते हैं। इसी तरह से ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें होती हैं। ग्राम सभाएं एक इम्पॉर्टेंट बॉडी हैं जिनका काम ये है, जिनके सामने पहले पंच सरपंच आते हैं यानी कि ग्राम पंचायत के सदस्य आते हैं, वो आ करके ग्राम सभा से सुझाव मांगते हैं। सभी लोग अपना अपना सुझाव ग्राम पंचायत के सामने प्रस्तुत करते हैं, किसे पानी की आवश्यकता है तो किसी को शिक्षा की आवश्यकता है, किसी को शौचालय चाहिए स्कूल में और किसी को स्कूल ही चाहिए, किसी को गांव में सड़कों की आवश्यकता है और किसी को अनाज रखने के लिए गांव के भीतर स्टोर हाउस की ज़रूरत है। सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, सबने अपनी अपनी मांगे रखी, ग्राम पंचायत के पास वो मांगे दर्ज हो गई। वो मांगों के दर्ज होने के बाद ग्राम पंचायत अपने स्तर पर बैठ करके प्लान बनाती है, इसे हम ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान कहते हैं, GPDP, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनने के बाद वो डेवलपमेंट प्लान ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उस पर ग्राम सभा चर्चा करती है और फाइनली जो भी किसी तरह के संशोधन अगर करवाने हैं, अमेंडमेंट करानी है,
करवा करके वो प्लान को ग्राम सभा अपनी स्वीकृति देती है और अब ग्राम पंचायत उस प्लान को पंचायत समिति के पास दर्ज करा देती है। पंचायत समिति के बाया वो जिला परिषद तक दर्ज हो जाता है। इस तरह से फाइनेंसेस अप्रूव होते रहते हैं और कामकाज होता रहता है। तो ग्राम सभा से ये सारी की सारी बातचीत उस ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के तहत ज़िला परिषद तक पहुंचती है। ये बॉटम अप अप्रोच है, नीचे की तरफ से दबाव महसूस कराया जाता है और ऊपर की तरफ से डिलीवरी दी जाती है, काम किया जाता है। इस तरह से एक सिस्टम अपनाया गया है। आई बात समझ में? यहाँ पर आपको देखने में बिल्कुल ऐसा लगा कि यहाँ पर ग्राम पंचायत एक तरह से एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रही थी और ग्राम सभा एक तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह काम कर रही थी या फिर पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी, पर्टिकुलरली लोकसभा की तरह। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को समझते हैं कि क्या क्या सफलताएँ असफलताएँ अब तक के दौर में रही हैं। चलिए अब समझते हैं कुछ कमियाँ, फिर उनको सुधारने के तरीके, ये भी ज़रूरी है। देखिए, ये बात तो तय है कि अगर हम 1993-94 से इसकी बात करें, 1992 में एक कानून आ गया था, तो सन 2012 तक इसे 20 साल बीत गए, 1993 में ये इफ़ेक्टिव हो गया था। आज अगर हम देखें तो लगभग 27 साल के अराउंड बीत चुके हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा प्राप्त हुए और PRIs एस्टेब्लिश हुई। 27 साल बीत जाने के बाद जब हम इसका आंकलन करते हैं तो ये पता लगता है कि जहाँ कुछ उपलब्धियाँ हैं वहाँ पर कुछ नाकामयाबियाँ भी हैं। नाकामयाबियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उपलब्धियाँ कम हैं। जो हमने अचीव किया है वो कम है, हमारे फेलियर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, उस पर वर्कआउट करना है। बड़ी बात तो यही है कि कंट्री लेवल पर देखा जाए तो 2.5 लाख के अराउंड पंचायतें स्थापित हुई और विश्व में अगर देखें तो सबसे बड़ी तादाद लगभग 30 लाख चुने हुए नुमाइंदे हैं आज हमारे पास, 30 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आज हम होल्ड करते हैं। इट इज़ अ बिग थिंग। और इसमें अगर हम देखें तो वर्ल्ड में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता, 14 लाख चुने हुए नुमाइंदे औरतें हैं। 30 लाख हमारे पास चुने हुए नुमाइंदे हैं जिसमें से 14 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वुमेन हैं। तो एक बड़ी मुहिम है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और वुमेन के पास रिजर्वेशन है, 1/3 रिजर्वेशन होल्ड करती है वुमेन। SC और ST का भी अपना रिजर्वेशन है, OBC को रिजर्वेशन दिया जाए ऐसा प्रावधान छोड़ दिया है स्टेट लेजिस्लेचर्स के ज़िम्मे। इसके बाद देखा जाए तो SC ST और वुमेन काफ़ी आ गया है। आज बहुत ग्राम प्रधान, ग्राम मुखिया, ग्राम प्रमुख आपको नज़र आएंगे जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आते हैं। औरतें आपको बहुत से स्तर पर नज़र आएंगी, ज़िला परिषद की अध्यक्षा से लेकर के सरपंच पंच की पोजीशन तक आपको आज औरतें नज़र में आएंगी। तो ये एक अपलिफ्टमेंट तो यकीनन हुई। ऐसा पाया गया कि जिन जिन क्षेत्रों में औरतें प्रधान हैं, औरतें मुखिया हैं, उन उन क्षेत्रों में पब्लिक गुड्स, वाटर डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई के कामों में बहुत विकास हुआ। औरतों ने शुरुआती तौर पर अपनी इस रिजर्वेशन के वाया पोजीशन जो उनको मिली इसको चुना उन्होंने उनके खिलाफ़ होने वाले क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए। डेवलपमेंट एक्टिविटी तो हुई एक समय के बाद, लेकिन उनका जो उत्पीड़न होता था उस उत्पीड़न को लोगों के सामने रखने के लिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इस रिजर्वेशन के माध्यम से हुए चुनाव की इस पोजीशन को औरतों ने इस्तेमाल किया। ये एक तरफ देखते हैं तो आंकड़ा अच्छा लगता है, चीज़ें भी सही लगती हैं, वहीं कुछ समस्याएं भी हैं। इतने लंबे समय से चलता आ रहा इतना बड़ा तंत्र, 2.5 लाख पंचायतें, 30 लाख के अराउंड चुने हुए नुमाइंदे, लेकिन फिर भी बेटर गवर्नेंस की ओर हम बढ़ नहीं पाए। प्रधानमंत्री अपने 15 अगस्त की भाषण में ये कहते हैं कि हमें पंचपति कल्चर से बचना है, इससे मुक्ति पानी। उन्हें ये लगा कि प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़ गया, जहां एक तरफ आपने वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया, वहीं दूसरी तरफ वुमेन एक तरह से नाम के तौर पर इस्तेमाल हुई और सही जगह पे उसका जो पति है, उसके घर का जो मेल मेंबर है, वही शासन करता रहा। यहां से पंचपति जो है वो एक नया नाम उभर कर के आया। पंच परमेश्वर तो होते थे, पंचपति तो पता नहीं कहाँ से आया है। इस पतित पति को सुधारना ही पड़ेगा, तो इसके लिए प्रयास किए गए कि इन पंचपतियों को ख़त्म किया जाए। भाई, जो पत्नियां हैं उन्हें ही आगे लाया जाए, ऐसा कोई पंचपति सिस्टम तो हो नहीं सकता। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके लिए बहुत से सुधार की ज़रूरत है, वो अभी हम करेंगे। लेकिन ऐसा माना गया कि अभी भी वो बेटर गवर्नेंस अचीव नहीं हो पाई, उसके बहुत सारे कारण हैं, वो हम अभी समझ लेते हैं। देखिए, पहली बात यह समझ लीजिए कि ऐसा कहा गया था
कि एक 11th शेड्यूल बनेगा और उसमें 29 ऐसे जो आइटम्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को पंचायतों को देनी है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट वो 29 आइटम्स पंचायतों की ओर ट्रांसफ़र करेंगी, लेकिन उन 29 आइटम्स से जुड़े हुए फंक्शंस राज्यों को के द्वारा उन पंचायतों को दिए जाने हैं, वो फंक्शंस तय करने की आज़ादी राज्य को दे दी गई। तो क्या फंक्शंस, कितने फंड्स और कितने फंक्शनरीज, ट्रिपल एफ एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज। ये बात ठीक है कि ये कहा गया कि हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इस तरह के तमाम मुद्दे राज्य की सूची से निकाल के पंचायतों को दिए जाएं। ठीक है, पंचायतों को ये दिए जाएंगे, लेकिन इन मुद्दों से जुड़े कामकाज, फंक्शंस सही मायने में वो कब देने हैं, कितने देने हैं और नहीं देने हैं, ये तय करने की पूर्ण शक्ति राज्य की विधानसभा के पास है, यानी कि राज्य सरकार के पास है। और अमूमन राज्यों ने ये फंक्शंस दिए ही नहीं पंचायतों को, तो पंचायतें आज सफ़र कर रही हैं लैक ऑफ 3F, फंड, फंक्शंस, फंक्शनरीज। ये तीन चीज़ों की उनके पास आज बड़े पैमाने पर कमी है। इनकी तीनों की पूर्ति करा दीजिए, सुधार तो अपने आप ही हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि एडिक्वेट फंड्स, एडिक्वेट फाइनेंसेस आज पंचायतों के पास नहीं है। वो बड़े पैमाने पर जूझ रही हैं पैसों की कमी की वजह से। कारण ये है कि जब फंक्शंस ही नहीं दिए गए तो फाइनेंसेस कहाँ से दिए जाएंगे, और जो फाइनेंसेस थोड़े बहुत दिए हैं वो पूरे नहीं पड़ते हैं उन फंक्शंस की प्लानिंग के लिए जो दे दिए गए। मुद्दा ये है कि फाइनेंस कमीशन बनाने का एक प्रावधान रखा, ये अमेंडमेंट एक्ट में है, लेकिन आप ये जानते हैं, जहां एक तरफ आपने ये कहा कि स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा और उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर इंटर गवर्नमेंटल फंड शेयरिंग होगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड से एक शेयर पंचायतों को देगी, वहीं दूसरी तरफ ये भी तो सच है कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस एडवाइजरी कैरेक्टर की होती हैं। वो रिकमेंडेशंस सिर्फ और सिर्फ एडवाइज हैं, वो बाउंड या मैंडेटरी कैरेक्टर की नहीं होती। राज्य सरकारें फाइनेंस कमीशन की उन सिफारिशों को माने या ना माने, ये तो उनकी डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। और राज्य सरकारें जो कि पहले ही फंड की कमी से जूझती हैं, वो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र जो करना है वो नहीं करती, ये पहली बात। दूसरी बात, राज्य सरकारों के ऑलवेज आरोप होते हैं कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो हमारा शेयर आना है वो शेयर प्रॉपर आया नहीं है, ये एक समस्या। दूसरा ये भी आरोप रहते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पंचायतों की मदद के लिए जो ग्रांट्स और जो फंड्स आना चाहिए उसमें भी कमी है, वो भी नहीं आया। लेकिन अगर प्रैक्टिकल पिक्चर देखें तो ऐसा लगता है कि पंचायतों पर बल देने का काम है। 14वें फाइनेंस कमीशन ने पंचायतों की फ़ंड एलोकेशन बढ़ाई थी, और 15th फाइनेंस कमीशन जो मैंने आपको पढ़ाया उसका फ़ंड एलोकेशन भी पंचायतों की तरफ बढ़ा है। तो फाइनेंस कमीशन इस बात को, सेंट्रल लेवल फाइनेंस कमीशन इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि पंचायती स्तर पर विकास यदि कराना है तो लार्जर सम ऑफ मनी उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तभी वो अपने लार्जर प्लान्स, लार्जर आउटलेज एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तभी विकास होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। लेकिन राज्य के स्तर पर बने फाइनेंस कमीशन और केंद्र के फाइनेंस कमीशन दोनों की सिफारिशें रिकमेंडेटरी कैरेक्टर की होती हैं, एडवाइजरी कैरेक्टर की होती हैं, बात देनी होती है, और राज्य उसे कई काफ़ी सारे मामलों में मानता नहीं है। दूसरी बात, राज्यों की तरफ से जो टैक्सेस, ड्यूटीज़, टोल, इन्हें लागू करने की जो शक्तियाँ दी जानी चाहिए थी पंचायतों को, वो उस तौर पर दी नहीं गई, तो एक कमी ये है। तीसरी कमी ये है कि पंचायतों को जो शक्तियाँ मिली भी हैं, जैसे कि वो प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकते हैं, वो मार्केट पे टैक्स लगा सकते हैं, वो बिजनेस पे टैक्स लगा सकते हैं, ट्रेड कॉमर्स पे टैक्स लगा सकते हैं, फेयर्स जैसे कि जो मेले लगते हैं, जैसे पशुओं का हाट लगता है, सब्जियों का हाट लगता है और कई तरह के और फेयर लगते हैं, वो उन पर कर लगा सकते हैं। वो भी रिलक्टेंट रहते हैं अपने आप में, वो उन पैसों को भी चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि हम कैसे लगा सकते, हमारी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर, हमारी ही पंचायत में हम टैक्स कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि बीइंग अ कम्युनिटी मेंबर हमें रहना तो उसी कम्युनिटी से है, उसी कम्युनिटी से हम टैक्स की उगाही कैसे कर सकते हैं, वो लोग हमें बाद में उलाहने देंगे टैक्स देने के बाद कि हमारी पंचायत तो इतने बड़े बड़े टैक्स लगाती है, तो ऐसे में हो सकता है दोबारा हमें वो लोग चुने ही ना, क्योंकि बहुत, जब छोटी कम्युनिटी में आप रह रहे हैं, एक छोटे स्केल में आपने टैक्स लगाया है तो आप रोज़ ही फेस कर लेंगे उनको। अब देखिए, निर्मला सीतारमण ने टैक्स लगाया, अब उसको ये टेंशन नहीं है कि वो मुझे फेस करेंगी, अमराज को या फिर किसी और को देखेंगी रोज़, लेकिन वहीं अगर 200-400 लोगों का गांव है और उसमें पंच सरपंचों ने मिलकर टैक्स लगाया है, शादी विवाह, मौत, फंक्शन,
हर मामले में रोज़ रूबरू होंगे और रोज़ कहेंगे पंच जी टैक्स लगाए हो ना इस बार, अगली बार देखना क्या बनेगा। हारने के चांसेस बहुत रहते हैं, डर लगा रहता है। तो एक तो सामाजिक बहिष्कार का डर रहता है कि समाज में कहीं बहिष्कार ना हो जाए, और दूसरा ये कि भाई हरा ही ना दे अगली बार, कोई और ना कह दे और जिताओ इनको, लगवाओ नए नए टैक्स, मुझे बनाओ सारे टैक्स हटा दूंगा। लेकिन अब जैसे फाइनेंस मिनिस्टर के मामले में मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि वो पता है ना कभी मुझे मिलेंगी, ना हमारे सर्कल में किसी को मिलेंगी, और ना ही उन्हें किसी को फेस करना है। उन्हें तो पार्लियामेंट को फेस करना है, और जिसमें भी आपको पता है हंगामा ज़्यादा रहता है, बात क्या हो रही क्या नहीं हो रहा, बहुत लोगों को तो समझ में भी नहीं आता। लेकिन पंचों सरपंच के मामले में क्या कि देसी लहजे में बात हो जाएगी, जिस भी किसी फंक्शन में मोटरसाइकिल पे जा रहा है पकड़ लेंगे, ओ सरपंच जी क्या लगा दिए टैक्स, अरे बड़ी गलती कर दी, अब देखना क्या होगा। मूवी थी काला, इसकी थी अपनी ये जो है अपने रजनीकांत, उसमें उसको पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, उसके मुंह पे एक बार एक पैर मार देते हैं, तो वो एंड में उसको छोड़ना तो पड़ता है, कोई क्राउड आया था, तो रजनीकांत कहता है लेकिन हाथ उठा लिया है बताऊंगा, तो हंसते हंसते कह के निकल जाता है। ऐसे ही गांव के लोग धमकाते हैं, कहते कोई बात नहीं कर लगा दिए हो ना बताएंगे तुमको। अब आप लोग वित्त मंत्री को ऐसा नहीं कह सकते, गांव के स्तर पे ऐसे सोशल प्रेशर बहुत काम करते हैं, याद रखना। आप हैरान हो जाएंगे कि पंचायतें खुद रिलक्टेंट रहती हैं, वो नहीं लगाती हैं, ऐसा लक्ष्मीकांत कह रहे हैं। और ये यहीं पर ये पॉइंट लिखा भी हुआ है, रिलक्टेंस टू यूज़ फिस्कल पावर, वो खुद भी यूज़ नहीं करना चाहते पंचायतें, क्योंकि एक जो फेशियल इंटरेक्शन है, जो पर्सनल बॉन्डिंग है आपकी, मैंने बताया विलेजेस क्लैन सिस्टम पर बेस्ड हैं, और आप ही के लोग परेशान हैं टैक्स, ऐसे आप उन्हीं के घर बैठे हैं, खाने पे बैठे हैं, और कहें आपको रुका सूखा खिला रहे हैं, कहेंगे कैसे खाना खिला, खा लो भाई तुम्हारे राज में तो यही मिलेगा, तुम तो टैक्स में ले लिए पैसा। ये सब फेस करना पड़ता है, ये इतना आसान नहीं है। आई बात समझ में, समाज पूरा का पूरा ही प्रोग्रेसिव होना होगा, समाज को इस बात की चेतना होनी पड़ेगी कि अगर हम अपना विकास चाहते हैं हमें सहयोग देना पड़ेगा। जैसे ऐसा नहीं है कि देश सहयोग नहीं देना चाहता, अभी सिखों का, और सिखों का कहना थोड़ा सा सही नहीं था, मैं अपनी शब्दों को वापस लेता हूँ, किसानों का आंदोलन चल रहा था, और उस किसान आंदोलन में देखेंगे तो पंजाब हरियाणा और इन राज्यों के गाँव के लोगों ने प्रति एकड़ के हिसाब से या अपनी आमदनी के हिसाब से सहयोग दिया कि भाई हम ट्रैक्टर ट्रालियों में तेल डलाने के लिए, खाने भोजन और अनाज भी दिया, सहयोग दिया। सहयोग तो लोग देते हैं, बात इतनी सी है कि आप समर्थन किस चीज़ को करते हैं। इसी तरह से अगर आप पंचायती सिस्टम का समर्थन करेंगे और वो पंचायतों को केंद्र सरकार राज्य सरकार फंक्शन देगी, और वो फंक्शंस भी अगर होंगे जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे, उनका विकास होगा, उनके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, उन्हें चिकित्सा मिलेगी, उन लोगों का वहाँ पर रोज़गार का प्रबंध बनेगा, सड़कें अच्छी बनेंगी, पीने को स्वच्छ जल मिलेगा, मवेशियों को पानी मिलेगा, चारागाह मिलेंगे, अच्छी जलाने के लिए लकड़ियाँ मिलेंगी, सिलेंडर पहुँचे, ऐसी सुविधाएँ जब पहुँचेंगी लोग जब देखेंगे, तब होगा जब फंक्शन डेवोल्यूशन होगा, फंक्शंस का डेवोल्यूशन होगा, तो उस तरह की फिर प्लानिंग होगी, प्लानिंग होगी तो ही वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी, और एग्जीक्यूट होगी तो नज़र भी आएगी, तो लोग सहयोग भी करेंगे, एक चीज़ है। तो एक तरफ जागरूकता भी चाहिए, लोगों की अवेयरनेस चाहिए, कंडीशनिंग चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो संस्थाएं हमने बनाई जैसे पंचायतें, उनको काम भी देने होंगे, जिम्मेदारियां भी बड़ी देनी पड़ेंगी, ताकि लोग आश्वस्त हों कि हाँ काम भी होते हैं, पैसा देते हैं तो काम भी होते हैं, कर देते हैं तो कोई बात नहीं, विकास भी तो होता है, अगर टोल लग रहा है, अगर पंचायत ने कोई पैसा लगाया है तो कोई बात नहीं, स्कूल की बिल्डिंग भी बनी है, तालाब बना है मवेशियों के पानी पीने के लिए, और सड़कें बनी हैं गाँव के भीतर, और पेड़ लगाए गए हैं उसमें हम सब बैठते हैं, रोज़गार भी उपलब्ध कराया जा रहा है, शौच बनाए गए हैं, तो काम भी हुआ है, पैसा लिया है काम भी हुआ है। फिर वही पंच सरपंच उल्हाने की जगह प्रशंसा के अधिकारी हो जाएंगे, फिर वो सफ़ेद धोती कुर्ता पहन के ऐसे खड़े रहेंगे, हाँ भाई कर दिए थे ना क्या, हाँ कितना, पूरे गांव ने मिलकर कितना दिया था, 10,000, चलो 50,000 का काम करा दिया है देख लेना आप। तो फिर एक मोटिवेशन जनरेट होती है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर आप काम लेकर के आते हैं सामने, फिर लोग पैसे को पैसा देते हैं। आई बात समझ, अगर 10,000 रुपये गाँव कंट्रीब्यूट कर रहा है और 40,000 केंद्र राज्य की तरफ से आ रहा है, 50,000 का काम हो रहा है, अगली बार लोग नेचुरली 20,000 भी देंगे, क्योंकि उन्हें उतना काम भी नज़र आ रहा है। आई बात समझ में, ये ज़रूरी है कि फंक्शंस क्यों डेवोल्यूशन करना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुल मिला करके एक सबसे बड़ी समस्या है।